Hello student, welcome to Atul education. Student 11th admission process के अंदर जिस student ने भी part 1 form या part 2 form को नहीं fill up किया है, means जो fresher student है जिन्होंने अभी तक registration ही नहीं किया है, तो ऐसे student के लिए registration form वापस से start हो गया है, तो आप लोग student जाके form को fill up कर सकते हो. फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 11thadmission.org.in पर आपको लॉग इन करना है, मींस सर्च करना है. इसके बाद इस साइट ओपन करने के बाद आपके पास आपको अपने खुद के चूज करना रहेगा रीजन की, कौन से रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. यदि आप मुंबई के हो तो मुंबई में आपको क्लिक करना है, पुणे के हो तो पुणे में क्लिक करना है, नागपुर रहेगा तो नागपुर में आपको क्लिक करना है, नासिक का रहेगा तो नासिक और अमरावती रहेगा तो अमरावती में आपको क्लिक करना है. इसके अलावा स्टूडेंट आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है. सबसे फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है कि आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टूडेंट को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है. सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर आपको आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको क्रिएट करना रहेगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डिटेल आपको फिलअप करना है कि एप्लीकेशन 10th स्कूल एरिया कहाँ पर है. तो यदि आपको विद इन द MMR एरिया मीन्स मुंबई के अंदर है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मुंबई के बाहर है तो यहाँ पर आउटसाइड महाराष्ट्र मतलब तो दूसरे स्टेट से आए हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है. एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है, यहाँ पर तो फ्रेशर है तो अभी अभी पास हुआ तो यहाँ पर क्लिक करना है, रिपीटर है तो यहाँ पर क्लिक करना है और प्रीवियस पास्ट है तो स्टूडेंट को यहाँ पर क्लिक करना है. टेंथ का, टेंथ स्टैंडर्ड के और उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और बोर्ड, तो आप एसएससी बोर्ड से पास किए तो यहाँ पर क्लिक करना है, सीबीएसई बोर्ड है तो यहाँ पर, सीआईएससी बोर्ड है तो यहाँ पर, आईबी बोर्ड रहेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आईजीसीएससी बोर्ड रहेगा तो यहाँ पर क्लिक करना है, एनआईएस रहेगा तो यहाँ पर और एनी अदर बोर्ड रहेगा तो यहाँ पर क्लिक करने का. टेंथ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के डिटेल यहाँ पे भरने हैं, सीट नंबर, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी ईयर में आपने एग्जामिनेशन पास किया है और एप्लीकेंट के डिटेल, मतलब आप यदि महाराष्ट्र बोर्ड के और फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आप सीट नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक ये डिटेल क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा. फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, सिक्योरिटीज क्वेश्चन आपको डालना है और आंसर क्या देना है ये डालना है. इसके बाद आपको एक यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, आपको और रजिस्ट्रेशन करना है. जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आपको स्टूडेंट लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. फिर ये लॉग इन आई डी पासवर्ड लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है. यहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपको पार्ट वन फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे लॉग इन पे तो आपको जो लॉगिन आईडी मिला रहेगा वो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद लॉगिन कर देना है. और लॉगिन करने के बाद आपको इसके अंदर के जो भी डिटेल है, इसके अंदर दो चीजें रहेगा, एक सबसे पहले आपको पार्ट वन फॉर्म फिलअप करना रहेगा जिसके अंदर आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, आपके एड्रेस रहेंगे और आपका कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो डिटेल रहेगा. तो ये सब डिटेल आपको क्या करना है, पार्ट वन फॉर्म के अंदर भरना है. इसके बाद पार्ट टू फॉर्म जो रहता है उसको हम लोग ऑप्शन फॉर्म भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कॉलेज के नाम डालने होते हैं, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए ये आपको डालना रहेगा, एन कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे. तो ये सब जो रहेगा, पार्ट वन और पार्ट टू फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसके लिए मैं आपको किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म लेकर या लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताता हूँ. स्टूडेंट तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करके रखिए और चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखो, कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो. थैंक यू सो मच.